नहीं माँ, सब चीजें ऐसे रखी हैं, कुछ खाओ ना कुछ लो। खाती हूँ। देखो बख्तावर, आहत की भी यही जॉब हो गई है और अब तो वो रहता भी यहीं पर ही है। एक दफा फिर से सोच लो। देखो अगर आहत तुम्हारे साथ रहेगा ना तो कोई तुम पे बुरी नजर भी नहीं डालेगा। बख्तावर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें अच्छा बुरा समझा सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे लिए जो भी ठीक लगे। नाराज तो नहीं हो रहे? तुम मेरी बचपन की दोस्त, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? तो फिर कुछ खाओ ना, इतनी दूर से आई हो, कुछ तो खाओ। जमानत होने में सिर्फ चंद दिन बाकी है, मैं इतनी आसानी से अंदर नहीं जाऊंगा। बख्तावर पहले मेरी मोहब्बत बनी, फिर जिद बनी, अब दुश्मन बन गई है। बेटा औरत चाहे जितनी भी बहादुर हो जाए, जितना भी पढ़ लिख जाए, कमाना शुरू हो जाए, लेकिन लेकिन एक ना एक दिन उसको एक अच्छे साथ की जरूरत होती है। कहना क्या चाहती हूँ बेटा? कुदरत ने तुम्हें मौका दिया, कोई अपना हाथ बढ़ा रहा है तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम आगे बढ़ के क्यों नहीं उसका हाथ थाम लेती? किसकी बात कर रहे? आहत की बात कर रहे और किसकी? नईमा खुद तुमसे मिलने के लिए आई थी ना, मैंने बातें सुन ली थी। वो चाहती तो नहीं भी आती, लेकिन मुझे इतना पता है आहत ने भेजा और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे है, आज भी तुम्हें चाहता है। माँ मैंने आहत से शादी करनी होती ना तो मैं पहले कर चुकी होती। ख्वाबों की ताबीर को हासिल करने के लिए इतना लंबा सफर किया है मैंने, अब जब मंजिल इतनी करीब है तो क्या वापस लौट जाऊं मैं? आहत आम मर्दों की तरह नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर पाने से नहीं रोके बल्कि साथ देगा शादी के बाद। सिर्फ 2 दिन रह गए मेरी जमानत, आपने वादा किया था कि मुझे इस केस से निकलवाने के लिए। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। देखिए मैडम जी, मैं आपके बड़े काम का आदमी हूँ, सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मैं आपको गुलाम बन के रहूंगा। मुझे देर हो रही है। देखिए मैडम जी, देखिए खबर मीडिया में दे दूंगा। मैडम जी मैंने बात करने दो, बहुत जरूरी बात। मैडम जी देखिए मैं आपको बता, बात करने दो यार।